हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सनत कुमार कुशवाहा, प्रॉपर्टीज आई पी एक्सटेंशन पटपड़गंज से। और आज आप देखने जा रहे हैं एक आई पी एक्सटेंशन पटपड़गंज के अंदर दो बेडरूम का फ्लैट, जो कि लगभग 1100 स्क्वायर फीट का है। और ये पटपड़गंज की टॉप 10 सोसाइटियों में से एक है। सोसाइटी पूजा अपार्टमेंट है, जैसे कि आप देख रहे हैं सामने गार्डन, वेल मेंटेन सोसाइटी, मेटावर, फिनिशिंग, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। सोसाइटी में जो लिफ्ट हैं वो चेंज हो चुकी हैं, जैसे कि आपको पता है 1989-90 के अलॉटमेंट है। तो इन पिछले 3 साल में काफ़ी कुछ मेंटेनेंस का जो काम था सोसाइटी टाइम टू टाइम करती रहती है। और ये फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट है, टोटल 7 फ्लोर हैं इस बिल्डिंग के अंदर, जिसमें कि ये फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट हमारे पास बिकने के लिए अवेलेबल है। एरिया लगभग 1100 है और जो मेंटेनेंस है लगभग 3000 के आसपास से सोसाइटी की है। लिफ्ट से निकलते हैं आप, सीढ़ियों से भी फर्स्ट फ्लोर पे आ सकते हैं। गैलरी के माध्यम से कॉर्नर का बगल का फ्लैट है ये। एंट्री करने के साथ ही जो मेन एंट्रेंस फ्लैट की है, फ्लैट की, उससे पहले अपने को गैलरी मिलती है। मैक्सिमम लोगों ने इसको फ्लैट के साथ मर्ज कर लिया है, जैसे कि अभी आपने देखा हुआ है। और यहाँ से आते हैं तो अपने को पूरी वेंटिलेशन, धूप हवा के साथ ड्राइंग एंड डाइनिंग में एंट्री मिल जाती है। ये ड्राइंग एंड डाइनिंग का स्पेस है, साफ़ सुथरा फ्लैट है। आई पी एक्सटेंशन पटपड़गंज के अंदर जो बड़े फ्लैट हैं वो कुछ ही एक सोसाइटीज़ के अंदर हैं। मोस्टली यहाँ पर जो एरिया आपको मिलेगा 850-950 स्क्वायर फीट, बट कुछ एक ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनके अंदर 1100 स्क्वायर फीट के आसपास का फ्लैट आता है। तो ये थोड़ा बड़ा फ्लैट है और लगभग 1100 स्क्वायर फीट के आसपास है। ये बालकनी में आ गया और बालकनी का व्यू पीछे ओपन एरिया काफ़ी मिल जाता है। सामने की तरफ अपने सोसाइटी के प्लॉट के बाद स्कूल का जो स्पेस है वो सारा का सारा अपने को यहाँ से व्यू के रूप में मिल जाता है। और यहाँ पे लगभग सूरज की पहली किरण आती है इस बालकनी के माध्यम से, और 2-2.5 बजे तक की पूरी धूप फ्लैट के अंदर होती है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, रेडी टू शिफ्ट है। आप किसी भी बैंक से मार्केट वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है 1.25 करोड़ रुपए, जो भी इसके सेलर हैं, मकान मालिक हैं, उन्होंने रखी हुई है, तो 1.25 करोड़ रुपए का 80% आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। आसपास की जो लोकलिटीज़ हैं बहुत अच्छी हैं। सामने की तरफ मधु विहार है, पीछे की तरफ आपको पंकज सेंटर मार्केट और प्लाजा मिल जाएगा, आप वहाँ से भी चीज़ें परचेज कर सकते हैं। किचन देख रहे हैं आप, स्पेशियस किचन है, बेसिक किचन है, आप अपने हिसाब से इसमें काम करा सकते हैं। आई पी एक्सटेंशन पटपड़गंज या पटपड़गंज से जुड़े हुए जो भी एरियाज हैं उनके अंदर यदि आपको किसी तरह की प्रॉपर्टी सेल आउट, रेंट आउट करनी है, रेंट पे चाहिए या परचेज करना है, तो हमने स्क्रीन पे नंबर दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दिए हैं, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये फर्स्ट बेडरूम हो गया। फर्स्ट बेडरूम के साथ जो अपने को विंडो जो अपनी खुलती हैं, सामने की तरफ ही खुलती हैं बालकनी के साथ साथ। बेडरूम का साइज़ काफ़ी अच्छा है, लगभग 12x10.5 स्क्वायर फीट के आसपास है। ये फर्स्ट टॉयलेट है जो कि कॉमन है। ड्राइंग और डाइनिंग के स्पेस के साथ किचन की तरफ जो स्पेसेस है उस स्पेसेस पे ही अपने को ये कॉमन टॉयलेट मिलता है। बगल में ही पहला बेडरूम हो गया। और ये सेकेंड बेडरूम, पूरी धूप आ रही है जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी। तो इस तरीके से ये 2 बेडरूम ड्राइंग एंड डाइनिंग का स्पेस, 2 टॉयलेट कम बाथरूम, 1 बालकनी, पूजा अपार्टमेंट कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट है, जिसमें कि टोटल 7 फ्लोर हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, रेडी टू शिफ्ट है, लगभग 3000 रुपये मेंटेनेंस है इस सोसाइटी का, और 1.25 करोड़ रुपये की डिमांड मकान मालिक की तरफ से रखी गई है। फ्लैट साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है, सोसाइटी साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन है। यदि आपको किसी तरह की रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे नंबर हमने दे दिए हैं, साथ में स्क्रीन में भी नंबर दिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आप चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक्स।